हैं एट नंबर, ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाइट इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टच जस्ट टच द ग्राउंड एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड एट वाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। अच्छा क्या कह रहा है कि कितने हाइट ग्राउंड से कितने हाइट से वो पेड़ टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखिए एक पेड़ है आपके पास 15 मीटर हाइट का, वो तो क्या हो रहा है कि वाइंड के वजह से है ना जी, तेज हवा के वजह से क्या होता है ये कहीं से ब्रेक होकर एंगल कितना बनाने लगता है। ये देखिए ये ट्री का ही हिस्सा है, ये ब्रेक होकर एंगल कितना होता है ग्राउंड के साथ, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला हिस्सा टूट रहा है। तो देखिए टोटल ए बी सी डी, तो यहाँ पे हाइट ऑफ वर्टिकल ट्री कितना दिया है 15 मीटर। ठीक है तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये हाइट जो है ग्राउंड से x है, तो ऊपर वाला 15 - x मीटर हो जाएगा, तो ये 15 - x तो ये भी 15 - x ही होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट x मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। ठीक है x मीटर, तो यहां पर ये BC हमने क्या ले लिया, x ले लिया, तो CD क्या हो जाएगा 15 - x। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल BD जो है ना आपका 15 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे ये AC जो होगा CD के इक्वल हो, क्योंकि वही ट्री टूट कर इधर नीचे गिर गया ना जी, ये ट्री जो देख रहे हैं ट्री का ये वाला हिस्सा ये टूट कर नीचे झुक गया है इस तरह से और एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी आपका 15 - x मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में देखिए यहाँ पर ये 90 है, तो यहाँ हम लोग साइन का यूज करेंगे P/H का, है ना जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ही नहीं यूज है, तो साइन 60 क्या हो जाएगा यहाँ पर BC और Y में आपका AC, यही ना हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर। चलिए तो साइन 60 का वैल्यू है √3/2, BC आपका x है और AC आपका 15 - x है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू √3 का वैल्यू रख दे क्या, या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15√3 - √3x इक्वल टू में 2x, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 15√3 इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का √3x। ठीक है चलिए अब इसे आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 15√3 है, उधर से आप x को कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा 2 प्लस का √3, इसको डिवाइड में भेज देते x इक्वल टू में हो जाएगा 15√3 और y में 2 प्लस का √3, तो इसके डिनोमिनेटर को स्लाइस करेंगे 2 - √3 से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 15√3 इंटू में 2 - √3, नीचे a² - b² लग जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसके बाद 15√3 इंटू में 2 - √3 और यहाँ देखिए √2² - √3² 3, तो नीचे 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 15√3 इंटू में 2 - √3, तो 15 इंटू में 1.732 इंटू में 2 - 1.732, √3 का वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसे, चलिए देखिए क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, तो यहाँ इंटू कर देते हैं 15 में 1.732 से, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 25.98 और ब्रैकेट के अंदर देखिए हम लोग 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 1.732 को, तो आपका आ जाएगा ये 0.268, तो इस 0.268 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 25.98 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 6.96, इतना मीटर अप्रोक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस क्या था ये हमारा, हेंस यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में था कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द ट्री ब्रेक, है ना जी, यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे
की हाइट, यानी लिख सकते हैं 6.96 मीटर हाइट, हाइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।